बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब की फ़ैमिली, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है अच्छे होंगे, ठीक होंगे। तो हम लोग करते हैं अपने व्लॉग स्टार्ट। और यहाँ हो रहा था सुबह का टाइम, और जैसे कि स्कूल स्टार्ट हो चुके हैं तो मैंने अपने बेटे को स्कूल भेजा, और उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड के लिए नाश्ता बनाया, उनको जॉब पर भेज के फिर मैं सो गई थी एक डेढ़ घंटा। उसके बाद लंच प्रिपेयर किया मैंने। लंच में ज़्यादा कुछ नहीं किया क्योंकि तबीयत मेरी सेट नहीं थी। खिचड़ी बनाई थी, तो बस खिचड़ी बना के फिर हम लोग चले गए थे हॉस्पिटल चेकअप कराने, और उसमें 2.5-3 घंटे लग गए थे। और फिर उसी दिन मुझे जाना था अपने नन की दावत में, तो काफ़ी मुझे टेंशन हो रही थी। फिर घर लेट पहुँचे हम लोग, जल्दी जल्दी रेडी होके निकले, बच्चों को भी रेडी करा, और फिर हम लोग वहाँ पहुँच गए थे। उनके भी कॉल आ रही थी कि क्या हुआ, आ रहे हो नहीं आ रहे। तो फिर हमने बोला भाई आ रहे हैं हम रास्ते में, क्योंकि 2-3 दफ़ा से हम उनकी जो दावत है तबीयत की वजह से हम डिले कर रहे थे, कि उन्होंने बोला जब तबीयत बिल्कुल सेट हो जाए जब आ जाना। तो इस वजह से फिर हमने बोला नहीं यार अब तो हो लेते हैं, अच्छा नहीं लगता इतने टाइम से बुला रही हैं वो। खाना तो खैर हम लोगों ने कम ही खाया था, लेकिन एक जो उनकी खुशी थी ना वो एक पूरी हो गई कि भाई भाभी उनके पहुंच गए, उनके घर दावत में शरीक हो गए, तो बस वो खुश हो गई थी, तो बस अच्छा लगा हमें। यहाँ पे उन्होंने बच्चों के लिए पिज़्ज़ा बैक किया था और शाही टुकड़े बनाए थे, अच्छा था सब खाना, लेकिन ज़्यादा नहीं खाया जा रहा था तबीयत की वजह से, थोड़ा ही खाया हस्बैंड ने भी और मैंने भी। फिर हम लोग अगले दिन चले गए थे बच्चों को आउटिंग के लिए, क्योंकि तो थोड़ी तबीयत मुझे बेहतर लगती थी और दवा लेकर आई थी। तो फिर हम लोग चले गए वहाँ, लेकिन जो है 1 घंटा बस तकरीबन सेट रहा होगा, फिर उसके बाद मुझे थकन का एहसास होने लगा। फिर हम लोग घर पे आए तो इतनी काफ़ी टाइम यहाँ पे लग गया था, तकरीबन मगरिब हो गई थी। अब घर पे आके इतनी थकन हो गई थी। खैर बच्चे खुश हो गए थे, काफ़ी टाइम बाद निकले थे बच्चों को लेके, क्योंकि तबीयतें ठीक नहीं चल रही थी। बस आप लोग मुझे इसी तरह से दुआओं में याद रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को, और मेरे चैनल को सपोर्ट करिएगा, लाइक शेयर लाजमी करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा जो जो नए हैं मेरे चैनल पर, जो वीडियो देख रहे हैं, और कमेंट्स करके लाजमी बताएं आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नए ब्लॉग में इंशाल्लाह, ज़िंदगी रही तो। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।